हिमाचल पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आदर्श हिमाचल के बुलेटिन पर। भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। यह कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को प्रकाशित होता है। भारत में पूरे देशवासियों और प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह बयान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मन की बात कार्यक्रम के प्रदेश प्रभारी संजीव काटल ने बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम को सुना। कटवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि 31 अक्टूबर को देश भर में पिछले 2.5 साल से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का समापन होगा और आप सभी ने मिलकर इस दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले महोत्सव में से एक बना दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की 106वें मन की बात कार्यक्रम था। पिछले 9 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के द्वारा पूरे देश को संबोधित करते हैं। मन की बात के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनके बारे में बताते रहते हैं, या अन्य क्षेत्रों के अंदर चाहे खेल का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, या और कई सामाजिक ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो इस देश के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कार्य करते हैं। हाल ही में एशिया के गेमों के अंदर हमारे खिलाड़ियों ने जो अच्छा प्रदर्शन किया, 100 से अधिक मेडल लिए, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मन की बात में हमें बताया। और पैरालंपिक के अंदर हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको उन्होंने भी बहुत अच्छे पदक प्राप्त किए, उनका माननीय प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद किया। और इस माह जो हमारे दिवाली का पर्व आने वाला है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेषकर जो लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर ग्लोबल, कि जो हमारे हाथ, हमारे लोगों द्वारा हाथ से निर्मित जो वस्तुएं हैं, जो सामान हैं, उसकी हम अधिक से अधिक परचेजिंग करें, जिससे जो गरीब लोग हैं उनकी आर्थिक वृद्धि होगी। और इस बार जो माननीय आदरणीय परम महात्मा गांधी जी की जयंती थी, उसके ऊपर जो खादी के ऊपर लगभग 1.5 करोड़ से अधिक जो आय हुई, जो प्रोडक्ट लोगों ने खरीदा, इससे क्या होगा कि जो हमारे कारीगर हैं उनको उनकी आर्थिक समृद्धि होती है, वो हाथ से काम करते हैं, हम खरीदते हैं। इसी तरह अन्य क्षेत्रों के अंदर पूजनीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की क्यों याद किया उन्होंने, इसी तरह 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधा था। कहने का अभिप्राय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिन जिन अलग अलग क्षेत्रों में जो लोगों ने इस देश के लिए काम किया है उसके बारे में हम समाज को बताते हैं कि हम अपने इन वीरों को, शहीदों को भूले ना, हम इनको याद रखें। ये मन की बात के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब हमें बताते रहते हैं।